असलम स्टूडेंट दिस इज़ वीक 12 एंड दिस इज़ क्लिप नंबर वन ऑफ असम्बली लैंग्वेज ओके स्टूडेंट ये इस वीक में uh, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दिस चैप्टर इज़ अबाउट द स्ट्रिंग operations. स्ट्रिंग uh, जैसे हमें पता है हमने असम्बली लैंग्वेज में भी काफ़ी हमने स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल किया है लेकिन अब हम स्ट्रिंग्स के साथ काफ़ी स्पेसिफिकली जो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो करेंगे आजकल के आज के जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम पहले तो हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग ऑपरेशन होते क्या हैं फिर डायरेक्शन फ्लैक का क्या कॉन्सेप्ट है फिर स्ट्रिंग के साथ हमने जैसे स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में मूव करना मल्टीपल टाइम्स मूव करना जैसे रिपीट रिफिक्स है स्ट्रिंग को स्टोर करना लोड करना स्ट्रिंग स्ट्रिंग को स्कैन करना कंपेयर करना बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने आज के लेक्चर में देखनी है जो हमारा नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा दिस मीन्स वीक थर्टीन का लेक्चर उसमें भी हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू दीस टॉपिक्स तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अच्छा बेसिकली हमारे पास जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि हमारे पास स्ट्रिंग हमारे पास या तो हमारे पास मेमोरी में स्ट्रिंग होता है या हमारे पास स्ट्रिंग एज अ बाइट ए या वर्ड ए होती है ठीक है तो इनमें हम मुख्तु किस्म के अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे अगर हमने एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है हमने एक पर्टिकुलर बाइट या वर्ड को एक स्ट्रिंग में एक लंथी स्ट्रिंग में सर्च करना है हमने किसी स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करना है या कंपेयर हमने कैसे करना है ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हम देखेंगे अच्छा लेकिन इन तमाम चीज़ों को पढ़ने से पहले यानी स्ट्रिंग ऑपरेशन पे जंप करने से पहले या उनको उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए एटी एटी सिक्स के बारे में आपको याद होगा चैप्टर नंबर थ्री में हमने फ्लैग्स के बारे में पढ़ा था और एटी एटी सिक्स में हमारे पास पूरा एक फ्लैग रजिस्टर होता है जहाँ पर हमारे पास मुख्तफ़ किस्म के फ्लैग्स होते हैं उसमें से छः फ्लैग्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं स्टेटस फ्लैग्स होते हैं स्टेटस फ्लैग्स बेसिकली आपको प्रोसेसर के बारे में उसका स्टेटस बताते हैं कि कहीं ज़ीरो तो नहीं आ गया कहीं पर ओवरफ्लो तो अकर नहीं हो गया सिमिलर्ली हमारे पास एटी एटी सिक्स में तीन कंट्रोल फ्लैग्स हैं कंट्रोल फ़्लैग्स का जो काम होता है वो स्टेटस फ्लैग्स थोड़ा तो सा डिफरेंट होता है क्योंकि जो कंट्रोल फ़्लैग होता है इसमें बेसिकली ऑन द बेस ऑफ दीज फ्लैग्स हमारा प्रोसेसर कोई प्रोसेसिंग में चेंज लाता है या प्रोसेसिंग एक खास तरीके से करता है उनमें से एक फ्लैग का नाम है डायरेक्शन फ्लैग ठीक हो गया जी आ, ये हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग आ गया अच्छा अब हमारे पास जो डायरेक्शन फ्लैग है बेसिकली अगर आ, हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम करते हैं लेकिन डायरेक्शन फ्लैग के साथ हमारे पास दो इंडेक्स रजिस्टर भी काम करते हैं एक इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास सोर्स इंडेक्स है दूसरा हमारे पास कौन सा है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है अच्छा डायरेक्शन फ्लैग को समझने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है हम एग्ज़ाम्पल को करते हैं और समझते हैं कि डायरेक्शन फ्लैग कैसे हमारे लिए काम करेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें डिफाइन बाइट को हमने यूज़ किया और हमने ये एक स्ट्रिंग लिख दी ठीक है हमने आपको याद होगा जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीख रहे थे असम्बली लैंग्वेज में एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है उसमें हमारे पास स्ट्रिंग की स्पेसिफ़िकली बात करें तो बेसिकली वो बैक एंड पे एक रे ही बनती होती है तो यहाँ पर हम वैसे ही देखेंगे हमारे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है जैसे हम ऑफसेट एड्रेस भी कहेंगे वो हमारे पास टू हंड्रेड एच है ठीक है समझने के लिए तो ये हमारे पास ऑफसेट एड्रेस है और ये हमारे पास कॉन्टेंट है यानी ये इसकी एस की वैल्यू है और ये हमारे पास उसका एस की करेक्टर है तो आपको याद होगा हमने जब पहले भी ये बात कही थी कि हमारे पास मेमरी में बेसिकली उसकी कॉन्टेंट सेव होता है ठीक हो गया यानी एस की वैल्यू सेव होते हैं अच्छा अब आ, हमारे पास ये है ए कि ये वैल्यू इस एड्रेस पर है हमारे पास जो बी है उसका ये एड्रेस है कन्जैक्टिव लोकेशन है आपके सामने ये आप आपको सारी चीज़ नज़र आ गई कि हमारे पास जो ये एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई ये इन कन्जेक्टिव लोकेशनस पर सेव हुई हैं और उन पर ये कॉन्टेंट्स यानी उनकी ये ऐसे करेक्टर्स आपके सेव हो गए अब यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन फ़्लैग की बात दोबारा आती है कि अगर मेरे पास डायरेक्शन फ़्लैग की वैल्यू है ज़ीरो तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो है वो इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेसेस में चलेंगे इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेसेस क्या मतलब है कि हमारे पास 200 से 204 की तरफ चलेंगे इंक्रीजिंग में चलेंगे यानी पहले 200 होगा फिर 201 होगा 202 होगा एंड सो ऑन ये कब होगा जब मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग क्या होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ज़ीरो होगी फ्लैग आपको पता है हमें वो बाइनरी इंफॉमेशन देता है येस या नो ठीक है तो उसकी उसकी बेस पर ही हम ये काम करेंगे ठीक हो गया अच्छा अब अगर हमारे पास जो है डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो डिक्रीजिंग मेमोरी एड्रेस तो में चलेंगे यानी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट यानी फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे यानी हमारे पास क्या होगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड से टू हंड्रेड की तरफ़ जाएंगे ठीक है लेफ़्ट टू राइट का क्या मतलब है इंक्रीजिंग और राइट टू लेफ़्ट का क्या मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर का ठीक है तो ये हमें एक चीज़ की समझ आ गई है तो यहाँ पर अगर हम डिबग में जाके देखें डिबग आपको पता है हमारे पास डिमो डिबग मोड होता है तो अगर हमारे पास डी एफ़ की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है हम अप की बात कर रहे हैं यानी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं अगर हमारे पास डी एफ है तो वन तो हम इसमें डाउन की बात कर रहे हैं ठीक हो क्या यानी हम लेफ़्ट टू राइट डी एफ इज़ इक्वल टू वन एंड राइट टू लेफ्ट डी एफ इज़ इक्वल टू वन की बात कर रहे हैं ठीक हो गया अच्छा अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इस फ्लैग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम कैसे इन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास दो कमांड हैं जिनको हम इस्तेमाल करके आ, इनकी वैल्यूज़ को हम आ, चेंज कर सकते हैं यानी ये सेट और रीसेट कर सकते हैं सेट का मतलब है वन और रीसेट का मतलब है कि हम उसको जीरो कर सकते हैं ठीक हो गया तो अगर मैंने डी की वैल्यू को ज़ीरो करना है ठीक है यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आ, वैल्यू क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए यानी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे हमारे पास एक कमांड है उस कमांड का नाम है सी एल डी सी एल डी कमांड जब भी हमारे पास होगी इसका कोई ऑपरन नहीं है इसका ऑपरेंट बेसिकली डायरेक्शन फ्लाएगा जो आ, हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा यानी अगर मैं डी की वैल्यू को जीरो करना चाह रहा हूँ तो मेरे कोड में अगर मैं एक लाइन लिख दूँगा सी तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हम आगे चल के इस पर जब एग्जाम्पल करेंगे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी लेकिन पॉइंट हेयर इज़ कि अगर मैं अपनी स्ट्रिंग करेक्टर्स को रीड करना चाह रहा हूँ हायर डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट टू राइट रीड करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास डी की वैल्यू कैसे मैं कर सकता हूँ जीरो सी से सिमिलरली अगर मैं राइट टू लेफ़्ट अपने स्ट्रिंग करेक्टर्स को रीड करना चाह रहा हूँ अपने स्ट्रिंग में तो मैं उसके लिए क्या कर दूँगा एस कर दूँगा एस का मतलब है सेट डायरेक्शन फ्लैग ठीक है तो मेरे पास आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एस मेरे पास जो डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी अगेन इसका भी कोई ऑपरण नहीं है सिंगल एक इंस्ट्रक्शन है इसमें अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो मेरे पास स्ट्रिंग की रीड करना होगा वो हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो ये हमें समझ आ गया तो ये दो हमने इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है और जो आगे हम अपना कोड यूज़ करेंगे उसमें हम इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास आ, आ, कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनको हमने समझना है और फिर हमने आगे उसे इस्तेमाल भी करना है ठीक हो गया आ, हम यहाँ पर मूविंग अ स्ट्रिंग हमारे पास है कि हम एक स्ट्रिंग को हम कैसे मूव कर सकते हैं इसको हमने देखना है अच्छा स्ट्रिंग की मूवमेंट के लिए हमें हमने एग्जांपल uh, हम एक एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम ग्रेजुअली uh, इसको समझते जाएंगे इसके लिए हमने क्या किया हमने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर दिए हैं एक स्ट्रिंग वन के नाम से एक स्ट्रिंग टू के नाम से अब दोनों जो हैं डी साइज़ की हैं अच्छा जो पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग में फ़र्क़ क्या है यहाँ पर आपके पास जो ये हेलो है इट विल हैव सिंगल बाइट फॉर ईच करेक्टर यानी फॉर ईच वी विल हैव वी विल हैव अ वन बाइट इन द मेमोरी फॉर ई सिमिलरली फॉर एवरी करेक्टर हमारे पास एक बाइट होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डुब्लिकेट ऑपरेटर है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा था कि ये अगर हम अन इनिशलाइज रे को डिक्लेयर करना चाहें तो हम ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और डुब्लिकेट है, जो हमारे पास करेक्टर है वो इस्तेमाल डुप्लीकेट uh, हमारे पास जो ऑपरेटर है इस्तेमाल होते हैं और हमारे पास कितने मेमोरी uh, uh, में लोकेशन रिज़र्व होंगी अन इनिशलाइज दैट वोंगी फाइव तो हमने इसका साइंटिक्स पढ़ा था अगर किसी को याद नहीं तो मैं दोबारा बताता हैं डुप्लीकेट तो, एक रिज़र्व वर्ड है क्वेश्चन मार्क अन इनिशलाइज के लिए होता है और नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं फ़ाइव और अगर हमने साइज़ यहाँ पर डी रखना है यानी वर्ड के लिए रिज़र्व करना है तो यहाँ पर डी आएगा इस एग्ज़ाम्पल में हमने यहाँ पर बाइट रिजर्व करनी है तो दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ पर बाइट आएगी ठीक है अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट uh, बात है कि हमारे पास हमने मूव कहाँ से कहाँ करना है हमारे पास जो सोर्स है सोर्स सोर्स जो है हमारे पास स्ट्रिंग वन है और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है स्ट्रिंग टू तो यानी हमने क्या करना है हमने बाइट बाय बाइट मूव करना है फ्रॉम स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग टू ठीक है अच्छा अब हमारे पास इसमें बहुत सारे हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे ठीक है डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास मूव स्ट्रिंग बाइट ठीक है अगर हम पढ़ेंगे इसे मूव एस बी जो है ये बेसिकली हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव स्ट्रिंग बाइट अब इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है कि ये कॉन्टेंट ऑफ वन स्ट्रिंग कॉपी करता है टू द कॉन्टेंट टू द लोकेशन ऑफ अनदर स्ट्रिंग स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको हम जरा देखते हैं ये काम कैसे करता है ठीक है uh, अच्छा हम यहाँ पर मूव स्ट्रिंग बाइट को uh, क्लिप नंबर टू में डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्लिप नंबर वन एंड होता है थैंक यू